दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरा YouTube चैनल टेक सुदामा में। आज मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे अपना खुद का जो PVC आधार कार्ड है उसको कैसे अप्लाई कर सकते हो। आपने बहुत सारा वीडियो देख लिया होगा YouTube में, वहाँ पे बताया जा रहा है कि आप ऐसे कर लो वैसे कर लो, या आपको दिखाया भी नहीं जा रहा है कि कितना इसमें खर्च होता है। सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें आपको 50 रुपये खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आधार कार्ड है अपग्रेडेड होकर आपके पास आएगा, 50 रुपये लगेगा। गवर्नमेंट आपको प्रिंट करके फिर से वापस से आपके घर में भेज रहा है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत पैसा लग रहा है, और विद इन 7 वर्किंग डेज के अंदर आपके पास ये कार्ड आ जाएगा। तो इसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड अगर हाल ही में आपने अप्लाई किया है तो उसका जो नंबर है एनरोलमेंट नंबर आपको चाहिए होगा। उसके साथ साथ अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो बहुत अच्छी बात है, अगर रजिस्टर्ड नहीं भी है तो आप आधार कार्ड अप्लाई कर पाओगे। दूसरा नंबर में एक OTP आएगा, तो उस नंबर को आपके पास रखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है दोस्तों, आप ये देख सकते हो ये UIDAI.gov.in इस वेबसाइट में चले जाना है, ये बिल्कुल ही। इसके बाद जैसे ही ओपन हो जाएगा आप यहाँ पे माई आधार ऑप्शन में चला जाए, सीधा नीचे आपको PVC ऑर्डर आधार PVC कार्ड, ठीक है, यहाँ पे चला जाना है। दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे नीचे आपको 3 ऑप्शन दिया गया, आधार नंबर, यहाँ पे आपका आधार नंबर डाल दीजिए अगर आपके पास आधार नंबर है तो, या आप वर्चुअल ID भी दे सकते हैं 16, या आप एनरोलमेंट नंबर अगर आपके पास है तो आप दे सकते हो, जो कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है। देख सकते हो कि 50 रुपये यहाँ पे खर्च होता है ये जो कार्ड है, ये कार्ड बनाने के लिए विद इंक्लूडिंग GST है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, मेरा आधार कार्ड का नंबर देखिए, यहाँ पर मैं जो अपना आधार कार्ड है उसका जो नंबर है वो 12 डिजिट का नंबर होता है, यहाँ पर जो 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये कैप्चा डालना पड़ेगा, यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है ये कैप्चा को यहाँ पे डालना पड़ेगा। आपके लिए दूसरा कोई आएगा तो आप वो ध्यान से देख के कर दीजिए। तो अभी दोस्तों अभी जो मुद्दा है यहाँ पे देखिए, नीचे माई मोबाइल नंबर, यहाँ पे अगर रजिस्टर्ड नहीं है आपका नंबर तो आप टिक करिए। मेरे पास जो आधार कार्ड है उसमें मोबाइल नंबर टिक किया हुआ है, मोबाइल नंबर ऐड है, तो मैं टिक नहीं करूँगा। अगर टिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा मोबाइल नंबर, नया मोबाइल उसी में आपका OTP आएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली सेंड OTP क्लिक कर दूँगा, क्योंकि मेरा जो मोबाइल नंबर है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। सेंड OTP क्लिक कर देता हूँ तो उसके बाद यहाँ पे नया पेज में चला जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे मेरे फ़ोन में SMS चला गया है, मेरा फ़ोन में SMS आ गया है OTP, तो वो मैं OTP यहाँ पर डाल दूँगा। यहाँ पे OTP डालने के बाद देखिएगा एकदम सही से डालिएगा, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके सबमिट कर दीजिए, ठीक है। सबमिट जैसे ही कर देंगे यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, और यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड है आधार कार्ड का पूरा डिटेल्स दिखाएगा। आप देख सकते हो आधार कार्ड कुछ इस तरीके से आएगा, और आपका फ़ोटो, एड्रेस, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा नाम दिख रहा है, फिर यहाँ पे फ़ोटो दिख रहा है, और यहाँ पे पूरा एड्रेस वगैरह पूरा डिटेल्स जो है देखना पड़ेगा यहाँ पे। इसके बाद मेक पेमेंट में चले जाए, वेरीफाई कर देने के बाद मेक पेमेंट में आप जैसे ही चले जाओगे नया सा करके एक पेज ओपन होगा, और यहाँ पे आपको पेमेंट कर देना। आपको बहुत सारा पेमेंट ऑप्शन मिल जाएगा, UPI, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड। मैं क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नंबर दे दूँगा, क्योंकि मेरा जो क्रेडिट कार्ड है यहाँ पर नंबर दे दूँगा, पेमेंट मैं कर लेता हूँ फटाक से। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है उसको ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस और ट्यूटोरियल रिलेटेड वीडियोस में अपने चैनल में लाता रहा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पे उसके बाद एक्सपायरी जो डेट है ये डाल देता हूँ, मंथ और ईयर यहाँ पे मैं डाल दूँगा, फिर इसके बाद CVV यह डाल देता हूँ, फिर CVV, उसके बाद यहाँ पे कार्ड होल्डर का नाम, ये कार्ड मेरे नाम पे है तो मैं अपना नाम ही लिखूँगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इसको अनटिक करिए तो कार्ड सेव नहीं होगा, प्रोसेस कर दीजिए। यहाँ पे प्रोसेसिंग होना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको वेट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो OTP मेरे मोबाइल में आ चुका होगा, तो मैं OTP यहाँ पे डाल दूँगा, जैसे OTP डाल दूँगा पेमेंट सब हो जाएगा। OTP आ गया है तो
डाल दिया ओटीपी, अब सबमिट कर देंगे। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे जो पेमेंट है, पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया है, दिखा है। तो आपका जो आधार कार्ड है वो 7 दिन के अंदर आपके पास आ जाएगा। आप चाहे तो यहाँ से नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पेमेंट जो रिसीप है ऑलवेज डाउनलोड करना सेफ होता है, तो ये पेमेंट रिसीप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चेक करना चाहेंगे तो उस टाइम में यहाँ पे जो सीरियल नंबर दिया गया है, रिक्वेस्ट नंबर दिया गया है, एसएन नंबर दिया गया है, वो आपका काम आने वाला है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, देर किस बात का।